तो हमारे पास गाइज अभी पैशन प्रो BS6 बाइक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें दिक्कत की अगर बात करें तो इसका जो प्रॉब्लम है गाइज, वो चीज़ पेट्रोल जो बताता है हमारा मीटर, उन चीज़ों में दिक्कत है। इसमें हालांकि 5-6 लीटर तेल होगा, हमारे भाई साहब बता रहे कि 4-5 लीटर या 6 लीटर पेट्रोल है। और इसमें दिक्कत क्या है कि मतलब पूरा फुल बता रहे। तो इसमें कारण यही है कि 2-4 दिन पहले इसका टंकी ओपन किया गया था, जिसमें फ्यूल पंप रहता है उन चीज़ों को, और उसी दिन से मतलब ये चीज़ फुल बता रहा है, इसका जो पेट्रोल वाला मीटर होता है वो चीज़। तो चलिए गाइस, जब किस तरीके से हमें चेक करना है या क्या दिक्कत है, हमारा फ्यूल जो मीटर होता है वो चीज़ ख़राब हो गया है या बैठाने में सही सेटिंग नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे और आपको भी फुल डिटेल में बताएंगे कि जब भी आप इसका फ्यूल पंप खोले तो किस तरीके से उसे सेटिंग पे हमें बैठाना चाहिए, वो चीज़ पूरा फुल जानकारी देने वाले। तो वीडियो में गाइज लास्ट तक जरूर बने रहे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो चलिए हम इसका सीट साइड पैनल और टंकी को ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है। तो हमने सीट और साइड पैनल निकाल दिया है। अब गाइज इसमें हमारा यहाँ पे सॉकेट होता है, जो कि इसे पहले हमें निकालना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारा एक लॉक होता है, ये वाला। तो यहाँ से अब हमें ये सॉकेट लगाना है और इसे चेक करना है। तो जब हमारा तेल टंकी में ज़्यादा होता है तो ये चीज़ हमारा ऊपर उठने लगता है, और जब तेल हमारा कम होता है तो ये चीज़ हमारा नीचे आने लगता है, तभी हमारा ऊपर पता चलता है कि हमारा टंकी में अभी कितना पेट्रोल है। तो चलिए अब हम चाबी को ऑन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हमारा जो दिक्कत था वो सिर्फ ये लगाने में ही दिक्कत किया गया था, जिसके कारण से हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम था। थोड़ा ऊपर उठा बोला। तो इसे हम जैसे ही आगे करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या होगा, पेट्रोल ऊपर जाएगा ज़्यादा बताएगा, और इसे हम पीछे करेंगे तो हमारा कम बताएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जैसे इसे इस तरफ किया तो ये हमारा यहाँ पे लो बताने लगा, पेट्रोल पूरा लो, यानी कि इसमें पेट्रोल नहीं है। और जैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा पेट्रोल शो करेगा। तो चलिए हमने आधा बढ़ाया, ये नीचे आ गया, तो आधा हमने ऊपर किया है। अब वहाँ हमें देखना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा ये बिलिंग कर रहा था, अब हमारा एक पॉइंट आया है और ये हमारा दो पॉइंट। तो इसी तरीके से गाइज हमारा ये बढ़ते रहता है, जैसे जैसे हम पेट्रोल डालेंगे वैसे वैसे हमारा फ्यूल आगे जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सही से सेटिंग करते हैं और बताते हैं किस तरीके से इसे लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा तीन पॉइंट पे चल गया है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, अगर यहाँ से हम फुल रखेंगे, यहाँ से अगर हम फुल रखते हैं तो हमारा यहाँ तक पूरा ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल फुल बताएगा। तो अब हम इसे खोलेंगे और फिर हमें टंकी में इंस्टॉल करेंगे। तो इसे जब भी हमें खोलना है तो ये हमारा ये लॉक होता है, जो कि इसे हमें ऊपर की ओर पुश करना होता है इस तरीके से, तभी हम इसे खोल सकते हैं। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या होगा, ये टूट भी सकता है। तो अब गाइज हमें फ्यूल पंप को लगाना है, और वो लगाना किस तरीके से है तो आप देख सकते हैं। तो आराम से गाइज इसे हमें लगाने का है, अगर आप ज़्यादा ज़ोर ताकत लगाते हैं क्या होता है, हमारा फ्यूल पंप वो चीज़ इधर उधर
टाइट कहीं फंस जाता है, जिनके कारण से हमारा ये चीज़ दिक्कत होता है। और इस प्लेट को जब भी आप लगाएं इस तरीके से हमें लगाना है। खोलने थोड़ा सा आपको फ्यूल पंप को ऊपर की ओर उठाना है तो ये हमारा खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सेटिंग सही से हो गया। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद हमारा ये सक्सेस हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, हालांकि हमने अभी तक इसमें पेट्रोल नहीं डाला है, आप देख सकते हैं कितना पेट्रोल निकला है। तो चार बोतल में यहाँ पे पेट्रोल है और आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो करीब इसमें 7-8 लीटर के लमसम पेट्रोल है। अब क्या करेंगे गाइज, हम पेट्रोल डालेंगे और फिर इसे चेक करेंगे किस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है, पहले से हमारा अच्छा हुआ या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम पेट्रोल को डालते हैं। पेट्रोल ले रहे, तो अभी तो हमारा एक पॉइंट ही बता रहा है, तो थोड़ा हमें रुकना होगा, उसके बाद ये चीज सही होगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, 2 पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, अब 3 पॉइंट, 1 पॉइंट और बढ़ गया। तो हमने इसमें मैक्सिमम 4 लीटर पेट्रोल डाला है और अब बाहर में भी अभी हमारा 3 लीटर पेट्रोल है। तो इस तरीके से अगर हमारा बाइक में दिक्कत आता है तो हमें सबसे पहले टंकी खोल के उन चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। फ्यूल पंप को बाहर करके और लगा के आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्यूल पंप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ से भी आपको पता नहीं चलता है तो आप फ्यूल पंप चेंज करें, या तो अगर वहाँ से सही है तो आप ये समझें कि हमारा टंकी में जो वो चीज़ लगाया गया है उसे सही से फिनिशिंग नहीं किया गया, इसी वजह से हमारा इस तरीके का दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं गाइज, तो क्या होता है जब भी हम तेल डालते हैं तो हमारा तुरंत मतलब शो नहीं करता है, थोड़ा लेट से शो करता है। तो हमारा हमने जो पेट्रोल डाला तो 1-2 मिनट के बाद ही ये चीज़ शो किया। तो आज के वीडियो में गाइज बस इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल ज़रूर हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, इस तरीके का दिक्कत आता है तो हमें यही काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।